सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कार लोन लेने की तैयारी में हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डीलरशिप आपसे मांगेगी, यानी कि कार लोन लेने पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रोफाइल दोस्तों होती हैं कार लोन में, 3-4 प्रोफाइल हैं, सभी के बारे में बताऊँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी लोन से रिलेटेड। तो पहली प्रोफाइल की बात करूँ तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कार लोन में तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, सर्विस आईडी कार्ड और दोस्तों फॉर्म 16, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, फोटो और 5 चेक आपके लगेंगे, वो भी साइन किए हुए। दोस्तों ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जाते हैं और दोस्तों इसमें आपको 2 चेक से तो ईएमआई कटेगी, उसके बाद जो है ईसीएस यानी कि ऑटो डेबिट सिस्टम में ईएमआई कटने लगती है। दोस्तों ये हो गई है कार लोन में पहली प्रोफाइल अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। तो दोस्तों बात करेंगे अब बिजनेस प्रोफाइल की, तो इसमें आपको 2 प्रोफाइल मिलती हैं, एनआईपी और आईपी। दोस्तों पहले जान लेते हैं एनआईपी का जो है फुल फॉर्म है नॉन इनकम प्रूफ, और आईपी का मतलब होता है दोस्तों इनकम प्रूफ। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तब भी आप कार लोन ले सकते हैं। कैसे लेंगे दोस्तों वीडियो में बने रहें। तो पहले बात करेंगे एनआईपी की, तो इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, 5 चेक और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। दोस्तों डीलर और बैंक जो है अगर जहाँ से आप कार लोन ले रहे हैं वो आपका जो है सिविल चेक करेगी, यानी कि अगर आपकी सिविल हिस्ट्री अच्छी है तो आपको नॉन इनकम प्रूफ प्रोफाइल में भी आपको कार लोन इजीली मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे इनकम प्रूफ कैटेगरी के बारे में, तो इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और दोस्तों 2 साल की जो है आईटीआर लगेगी। दोस्तों ये हो गई है हमारी बिजनेस प्रोफाइल। और दोस्तों एक जो है मैं आपको प्रोफाइल और बता दूँ। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं कहीं डीलरशिप जो है आपका बैंकिंग लेन देन यानी कि अगर आपकी बैंक में ट्रांजेक्शन 50,000 रुपये के आसपास है, महीने में 50,000 के आसपास आपका लेन देन होता रहता है, तो आप उस आधार पे भी दोस्तों कार लोन ले सकते हैं। कई डीलरशिप ये जो है ऑफर कर रही है। दोस्तों इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंकिंग ट्रांजेक्शन की दोस्तों हिस्ट्री देखी जाएगी, यानी कि पासबुक की आपकी फोटोकॉपी लगेगी, फोटो और चेक्स भी लगेंगे। दोस्तों ये है हमारी सभी प्रोफाइल लोन से रिलेटेड। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए।